हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सब लोग? यार होप सो लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं यार बहुत जल्दी बढ़िया हो जाओगे। आई नो यार, बहुत टाइम बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है आज। तो यार फटाफट से अपने हाल चाल कमेंट सेक्शन में बता दो, कैसे हो सब लोग? मुझे यार आजकल टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो अपलोड करने का, लेकिन जैसे जैसे बीच में पॉसिबल होता है मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा इसी तरह से, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो। तो गाइज़ आज है हमारे पास यहाँ पे आईफोन 15 प्रो मैक्स, जो आईफोन का भी सबसे लेटेस्ट वाला एंड जो सबसे महंगा वाला मॉडल है, टॉप नॉच वाला, वो हमारे पास है। एंड हम इसमें यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें गेम हमारी कैसी चलती है, अपनी जो BGMI है 90 FPS पे कॉन्स्टेंट 90 FPS देती है या नहीं, ये सब चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। एंड क्या आज के टाइम पे आईफोन 15 प्रो मैक्स एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन है, एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है, हमें ये गेमिंग के लिए लेना चाहिए, BGMI के लिए लेना चाहिए या नहीं? तो ये फ़ोन भाई हमें सबसे लेटेस्ट एप्पल की जो चिपसेट है उसके साथ देखने को मिल जाता है, A17 बायोनिक चिपसेट, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ऐसा माना जाता है, ठीक है। एंड गाइज ये जो फ़ोन है ये पहले से अनबॉक्स हो चुका है, इसको 2 हफ्ते हमने यूज़ कर लिया है। एंड अभी मैंने एक बार फिर से ये डब्बे के अंदर डाल दिया ताकि भाई आप लोगों को मैं दिखा सकूं। तो सबसे पहले तो देख लो भाई, आईफोन 15 प्रो मैक्स इसका मॉडल है। 1,60,000 रुपये खर्चने के बाद हमें सिर्फ डब्बे के अंदर सिर्फ फ़ोन मिलता है और कुछ भी नहीं। लेकिन भाई फ़ोन को पकड़ के या फ़ोन को देख के ऐसी फील आ रही थी कि भाई 1,60,000 की चीज़ हमने पकड़ी हुई है, मतलब बहुत प्रीमियम फील दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ग्लास वगैरह सब कुछ इसमें पहले से लगा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि भाई इस फोन को यूज़ करते हुए 2 हफ्ते हमें हो गए हैं। एंड इसमें हमने खूब सारी गेम भी खेल के देखी है। एंड भाई ये फोन मेरा नहीं है, ये फोन लिया है मेरे दोस्त ने, अनुज ने, हु इज ऑल्सो नोन एज बॉट। जिसको नहीं पता भाई उसके चैनल का लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो वहाँ पे जाके सब्सक्राइब भी मार सकते हो, वहाँ पे ये आईफोन 15 प्रो मैक्स के गेम प्ले लाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना जो है गेम खोल के देखते हैं, ठीक है। पहले तो ये बैकग्राउंड में खुली हुई थी, इसको हम हटा देते हैं। तो ये चेक करो कि गेम ओपन होने में कितना टाइम लगता है, थोड़े से स्क्रीन पे निशान है उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। तो गाइस ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला है, 10 सेकंड मैक्सिमम ये गेम इसमें बूट हो जाती है आसानी से। बहुत ही पावरफुल चिपसेट है एप्पल की A17, लेकिन देखते हैं क्या ये पावरफुल चिपसेट हमें 90 FPS प्रोवाइड करवा पाता है कॉन्स्टेंट या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे गेम निकाल लेते हैं अपना, तो काफ़ी जल्दी ये बूट हो गया, ठीक है। ये मेरी आईडी आप लोग देख सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो हम सेटिंग में जाके यहाँ पे 90 FPS अपना ऑन कर देंगे, ठीक है। 90 FPS मुझे एक इसमें ये लगा कि भाई इसमें सिर्फ स्मूथ पे ही 90 FPS चलता है, बाकी बैलेंस्ड या हाई पे 90 FPS नहीं है, जो कि मुझे लगता है इनको देना चाहिए। एप्पल का A17 चिपसेट काफ़ी खतरनाक है, तो ये चला सकता है, मतलब हाई सेटिंग्स पे भी ये 90 FPS चला सकता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं दिया, स्मूथ पे ही सिर्फ 90 FPS है, तो हम स्मूथ पे 90 FPS लगा के गेम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे TDM का। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पे गेम खेलने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, यहाँ पे 90 FPS हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन FPS मीटर मेरे पास नहीं है। एंड आईफोन में FPS मीटर ढंग से काम भी नहीं करता है, ठीक है। FPS मीटर इसमें लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे गेम खेल के मुझे ये फील हुआ कि भाई यहाँ पे 90 FPS तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट 90 FPS नहीं है, ठीक है। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जा रहे हैं, 80 तक भी जा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आईपैड पर भी 90 FPS खेल के देखा है, ये उस तरह का 90 FPS नहीं है जिस तरह की भाई हमें आईपैड में 90 FPS देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने यूट्यूब पर और भी रिव्यूज़ देखे एंड काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम है कि आईफोन का ये जो 15 प्रो मैक्स वाला मॉडल है या A17 वाली चिपसेट है, ये अभी तक भी यहाँ पे जो अपने 90 FPS हैं ये इस पे BGMI में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ पे BGMI की, ऐसा नहीं है कि ये चिपसेट पावरफुल नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये क्यों 90 FPS नहीं दे पा रहा है मुझे ये पता नहीं है, ठीक है। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, बीच बीच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 60 FPS पे खेल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई हर जगह हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। एंड भाई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ये फ़ोन हीट भी होता है, अभी मैंने TDM खेला, TDM में तो ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी क्लासिक के मैचेस भी खेले। एंड भाई क्लासिक के मैचेस में यहाँ पे हीट हो जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी, अगर आप लोग AC वगैरह में खेलते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे खेलोगे तो यहाँ पे ये हीट हो जाता है, ठीक है। एंड इसके यही प्रॉब्लम्स है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने भी ये शिकायत की है। हम इसको लेके यहाँ पे एप्पल के स्टोर पे भी गए थे, लेकिन भाई वहाँ पे जो बंदे बैठे हुए थे, ठीक है, कस्टमर केयर में, वहाँ पे भाई उन्हें खुद ही इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो हमने सोचा छोड़ो यार क्या बहस करनी। वैसे भी ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ इसी मॉडल के साथ नहीं है, मतलब हमारे मॉडल के साथ नहीं है, आईफोन 15 प्रो मैक्स पूरा ओवरऑल YouTube पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस देखी है, तो ये इशू बहुत से लोगों के साथ है कि भाई आईफोन 15 प्रो मैक्स हीट हो रहा है। तो हो सकता है टाइम के साथ साथ ये यहाँ पे ठीक हो जाए, अभी शायद उतना ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, अब इसको लॉन्च हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या बनता है।
तो फिलहाल ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बोलूँ भाई, गेम खेलने में इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1,60,000 रुपये यहाँ पे खर्च कर रहे हो तो उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि आप लोगों को गेम भी खेलनी है, आप लोगों को कैमरा भी यूज़ करना है, भाई कैमरा इसका बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं उसकी टेस्टिंग नहीं करूँगा कैमरे वगैरह की, आप यूट्यूब पर और वीडियोज़ देख सकते हो, लेकिन भाई कैमरा इसका टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया क्वालिटी कैमरे की, ठीक है। एंड भाई इसमें ओवरऑल सारे काम आप लोग कर सकते हो, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो फिर मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पर आप आईपैड वगैरह कंसीडर करो, वो इससे ज़्यादा सस्ता भी मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी अगर इतना पैसा खर्चना ही है तो भाई आप लोग एक पीसी बना सकते हो या फिर अपना एक गेमिंग लैपटॉप ले सकते हो जिसमें आप एमुलेटर के थ्रू बीजीएमआई खेल सकते हो या किसी और कोई और गेम भी खेल सकते हो। यहाँ पे 1,60,000 रुपये सिर्फ अगर आप iPhone 15 Pro Max में बीजीएमआई खेलने के लिए ले रहे हो तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, ठीक है। इतनी ही अच्छी गेमिंग आपको अभी तक यहाँ पे iPhone 13 या iPhone 14 Pro भी करवा देगा, ठीक है, अगर आप लोग वो लेते हो तो। यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा खर्चने का कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल सभी चीज़ों के लिए आईफोन ले रहे हो तो भाई आपके लिए बेस्ट है, इससे अच्छी चॉइस नहीं हो सकती। तो अभी भाई मैं आगे एक क्लासिक का गेम प्ले भी यहाँ पे लगाने वाला हूँ, आप क्लासिक का गेम प्ले भी इंजॉय करो। ये जो गेम खेला था मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा फोन हमारा हीट हो गया था, लेकिन फिर भी ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला कहीं पर भी कि भाई लैग हो रहा है, लैग वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भाई थोड़ा बहुत फोन हीट होता है एंड फ्रेम ड्रॉप्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी इसका रिव्यू मैं कुछ महीनों बाद फिर से लेके आऊँगा, देखते हैं 2-3 महीने में ये चीज़ ठीक होती है या नहीं होती है। एंड कोई क्वेरी हो तो भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, मैं जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। Awesome. Help. Awesome. Awesome.
तो गाइस ये हमारे फोन ने आज हमने ब्रांड न्यू फोन लिया है। एक और कैमरा लगाया बिहाइंड द सीन शूट कर।